हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया? आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर सेकंड का वीडियो नंबर 29। तो बेटे ये दूसरे यूनिट का 29वां वीडियो है, और इससे पहले 28 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर सेकंड को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें पढ़ना है यूनिट नंबर सेकंड के एनसीईआरटी के अभ्यास का भाग नंबर 6। तो इससे पहले 5 वीडियोस में हमने यूनिट सेकंड के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और आज हमारे पास यूनिट सेकंड की एक्सरसाइज का 6ठा वीडियो है। तो देखते हैं कि आज हमें कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है। किसी भी यूनिट को पढ़ना है तो प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि यदि आपको वीडियो की स्पीड स्लो लगती है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ाकर उसे देखना चाहिए। आपको 1.5 पर देखना चाहिए, या फिर 2x पर देखना चाहिए, या फिर 1.25x पर देखना चाहिए। या तो स्पीड को आप 1.25 गुना कर लो या 1.5 गुना कर लो, जैसा आपको सुटेबल लगता है, और उसके बाद आपको वीडियो देखनी चाहिए, जिससे आपका टाइम ज्यादा ना लगे और कम टाइम में आप ज्यादा सीख पाए। ठीक है बेटे, तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आज जो हमें स्टार्ट करना है। 30वां क्वेश्चन स्टार्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, कारण देते हुए बताइए कि निम्न क्वांटम संख्या के कौन से मान संभव नहीं है। कारण देते हुए बताइए कि निम्न क्वांटम संख्या के निम्न क्वांटम संख्याओं के कौन से मान संभव नहीं है। तो हमें बताना है कि कौन से मान संभव नहीं है। देखो, इसमें ए दे रखा है इन्होंने। एक मैंने आपको बताया कि यदि आपको स्पीड स्लो लगती है तो राइट साइड में तीन डॉट के निशान ऊपर है, उन तीन डॉट के निशान पर क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद प्लेबैक स्पीड को आप चेंज कर कर देख सकते हो, उससे आपको बहुत लाभ होगा। देखो बेटे, ऑप्शन ए दे रखा है इन्होंने, n = 0, n = 0, और l = भी 0 दे रखा है, और ml 0 दे रखा है, और ms दे रखा है इन्होंने, ml 0 दे रखा है, और ms दे रखा है +1/2। हमें बताना है कि ये मान संभव है या नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि क्या n = 0 हो सकता है? n = 0 तो कभी भी नहीं हो सकता है। n = 0 का मतलब जीरो कक्षा। जीरो कक्षा तो परमाणु में होती ही नहीं है, परमाणु में पहली कक्षा से ही कक्षाएं स्टार्ट होती हैं। n = 0 का मतलब है कि जीरो कक्षा की बात हम कर रहे हैं, और परमाणु में कभी भी जीरो कक्षा नहीं होती है। तो हम इसके उत्तर में लिखेंगे, हम लिखेंगे असंभव। क्या लिखेंगे? असंभव। क्यों लिखेंगे असंभव? क्योंकि n = 0 कभी भी नहीं होता है। n > 0 कभी भी 0 नहीं होता है n का मान, क्योंकि जीरो कक्षा परमाणु में नहीं होती है। देखते हैं इसका बी पार्ट क्या है। बी पार्ट में दिया है n = 1 और l = 0।
और ML बराबर 0, ML दिया है 0, और MS दिया है माइनस के 1/2। बताओ ये संभव है या नहीं? देखो, N बराबर 1, L बराबर 0, ये याद है आपके। एस पी डी एफ 0, 1, 2, 3, L के मान। N बराबर 1 है तो यहां लिख दिया मैंने 1। L बराबर 0 है, L बराबर 0 है तो 0 किसके लिए होता है? S उपकोष के लिए। तो 1S उपकोष के लिए ये संभव है भाई। N बराबर 1 के लिए L बराबर 0 होता है, बिल्कुल। ML का मान 0 होता है, 0 के लिए तो 0 ही होगा। और 1s का मतलब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, दो में से किसी ना किसी इलेक्ट्रॉन का मुंह नीचे की तरफ तो होगा ही, जबी तो हमने s का मान -1/2 लिखा है। इसे आप sb कह सकते हो और msb कह सकते हो। तो इससे पता चला है हमें कि 1s के लिए संभव है, यह संभव है। और किसके लिए संभव है? 1s के लिए। किसके लिए संभव है? 1s के लिए। देखते हैं सी। एन बराबर 1, एल बराबर 1, ML बराबर 0, और MS दे रखा है इन्होंने +1/2। बताओ ये संभव है क्या? इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये संभव है या नहीं है। एन बराबर 1, एल बराबर 1। एन बराबर 1 का मतलब पहली कक्षा, और एल बराबर 1 का मतलब, एल बराबर 1 का मतलब पी उपकोष। बताओ पहली कक्षा में पी उपकोष होता है क्या? पहली कक्षा में तो केवल एक ही उपकोष होता है, और वो होता है एस उपकोष। और इन्होंने बताया है पहली कक्षा में पी उपकोष, ठीक है? तो यहां लिखेंगे असंभव, असंभव। क्यों है असंभव? एन बराबर 1 के लिए, एन बराबर 1 के लिए एल बराबर 1 नहीं होता है या नहीं हो सकता है। मतलब एन बराबर 1 का मतलब पहली कक्षा में पी उपकोष तो होता ही नहीं है, जैसा इन्होंने बताया है। अब देखते हैं नंबर डी। डी देखते हैं क्या है। एन बराबर 2 दे रखा है, एल बराबर दे रखा है इन्होंने 1, और एम एल दे रखा है 0, और एम एस दे रखा है -1/2। बताओ एन बराबर दो है तो ये लिख दिया हमने 2। एल बराबर 1 है, एल बराबर 1 किसके लिए होता है? पी के लिए। तो 2p उपकोष के लिए संभव है ये। तो 2p, इसे तो अलग कर दो यहां से। 2p के लिए क्या होगा? संभव होगा। 2p के लिए संभव, ये 2p के लिए संभव है। अब देखते हैं ई। ई क्या दिया है? ई ई में दिया है एन बराबर 3, और एल बराबर भी 3 दे दिया। ये तो हो ही नहीं सकता है। एन का मान और एल का मान कभी भी बराबर नहीं होते हैं। जैसे यहां हमारे पास एन का 1, एल का 1 आया था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एन बराबर 3, एल बराबर 3, एम एल बराबर -3। एम एल दिया है इन्होंने -3, और एम एस चक्रण क्वांटम संख्या इन्होंने दी है +1/2। इसके लिए बताना है हमें क्या होगा। देखो यहां लिखेंगे हम असंभव। क्या लिखेंगे? असंभव। क्यों लिखेंगे असंभव? क्योंकि एन बराबर 3 के लिए, एन बराबर 3 के लिए क्या होगा?
एल के मान क्या होंगे? 0, 1 और 2, ये होंगे, हो सकते हैं या होते हैं। न की 3, एन बराबर 3 के लिए एल का मान 3 नहीं हो सकता। एल का मान या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। ठीक है बेटे, तो ये है ई। ई के बाद हम आ जाते हैं एफ पर। एफ, एन बराबर 3 दिया है, एन बराबर 3, एल बराबर 1 हो सकता है, एम एल बराबर 0, एम एल बराबर 0, और एम एस बराबर दिया है इन्होंने, एम एस दिया है प्लस 1/2। बताओ, 3P, एल बराबर 1 का मतलब पी उपकोष, तो 3P के लिए, 3P के लिए क्या है? संभव है, 3P के लिए संभव है। तो इस तरीके से हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 30। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। 31, क्वेश्चन नंबर 31, किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? किसी परमाणु में, किसी परमाणु में निम्नलिखित क्वांटम संख्याओं वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो हमें बताना है क्वांटम संख्याएं, देखेंगे क्या क्या दे रखी हैं। ए, ए में इन्होंने दिया है एन बराबर तो दिया है 4, और एम एस दिया है -1/2। ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जिनके लिए मुख्य क्वांटम संख्या का मान तो 4 हो और चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 हो? तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला ये बताया था कि एन बराबर 4 के लिए, एन बराबर 4 के लिए यदि आपको कुल इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि कितने होंगे, तो कुल इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं? 2n² से निकलते हैं ना, तो ये कितने हो जाएंगे? 2n की जगह 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 × 4 × 16, ये हो जाएगा 32। तो 32 इलेक्ट्रॉन, तो n बराबर 4 का मतलब चौथी कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 32 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पर इसमें इन्होंने कहा है कि हमें केवल वे इलेक्ट्रॉन चाहिए जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 है। तो यहां से मैं लिखता हूं कि चक्रण क्वांटम संख्या एम एस बराबर -1/2 वाले इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? कितने होंगे? 2n² में जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उसका आधा करना होता है, क्योंकि 32 इलेक्ट्रॉन में से 16 इलेक्ट्रॉन होगा तो मुंह ऊपर की तरफ को होगा, और 16 का होगा नीचे की तरफ को। 16 इलेक्ट्रॉन तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहे होंगे, और 16 इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे होंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो 32 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं चौथी कक्षा में, और 32 में से आपको आधे करने हैं, तो कितने हो जाएंगे? 16। तो 16 इलेक्ट्रॉन ही हमारा आंसर है। हमें उन इलेक्ट्रॉनों को बताना है जिनके लिए एन का मान 4 हो और एम एस यानी चक्रण क्वांटम संख्या, या एस कह दो खाली से, एस का मान -1/2 हो। भाई ऐसे तो 16 इलेक्ट्रॉन ही हैं, तो यहां नीचे लिख देना, इसलिए एन बराबर 4 व एम एस बराबर -1/2 वाले कुल इलेक्ट्रॉन, वाले कुल इलेक्ट्रॉन बराबर 16। आप उत्तर 16 ही दोगे, 32 नहीं दोगे, क्योंकि 32 इलेक्ट्रॉनों के लिए एन का मान 4 तो है, पर 32 के 32 इलेक्ट्रॉन के लिए चक्रण क्वांटम संख्या का मान -1/2 नहीं है। 32 में से 16 इलेक्ट्रॉनों के लिए तो +1/2 है, और 16 इलेक्ट्रॉनों के लिए -1/2 है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, एक इसमें क्वेश्चन हो रहा है, चलो अभी थोड़ी जगह है उसे भी देख लेते हैं। बी पार्ट देख लेते हैं, चलो इसका बी पार्ट।
बी पार्ट में कहा है एन बराबर तो दिया है 3 और एल बराबर दिया है 0, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हैं जिनके लिए एन बराबर 3 हो और एल बराबर 0 हो। ठीक है भाई, एन बराबर 3, एल बराबर 0, तो यहां से लिखते हैं उत्तर। यह है एन बराबर 3 का मतलब 3, एल बराबर 0 का मतलब क्या होगा, एल बराबर 0 का मतलब एस। यह है 3s कक्षक है, 3s कक्षक कह दो या उपपोष भी कह सकते हो आप, और 3s कक्षक है तो आपको पता है इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, एक 3s कक्षक ऐसा होगा और उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे 2, इसलिए उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 इलेक्ट्रॉन। इन्होंने हमारे से पूछा था किसी परमाणु में निम्न क्वांटम संख्या वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, एन बराबर 4, एम एस बराबर -1/2 वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। एन बराबर 3, एल बराबर 0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एन बराबर 3, एल बराबर 0 का मतलब होता है 3s कक्षक या 3s उपकोष। अब जब ये 3s कक्षक है तो s में तो आपको पता ही है, s में एक कक्षक होता है, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो n बराबर 3 और l बराबर 0 वाले 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब लो आप स्क्रीनशॉट जल्दी से, फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। यह दर्शाइए कि हाइड्रोजन परमाणु की बोर कक्षा की परिधि उस कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन की दे ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होती है। तो हमें इलेक्ट्रॉन की जो परिधि है, उसकी कक्षा की जो परिधि है, उस परिधि को बराबर करना है तरंग दैर्ध्य के पूर्ण गुणक के। ठीक है, यानी परिधि का फार्मूला तो आपको याद है, यदि मान लो इलेक्ट्रॉन किसी वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है तो वृत्त की परिधि का फार्मूला क्या होता है बताओ, 2πr होता है ना, तो हमें 2πr को n गुना करना है, पूर्ण गुणक का मतलब n गुना, 1 गुना 2 गुना 3 गुना, 2πr को n गुना करना है किसके, तरंग दैर्ध्य के n गुना, यानी तरंग दैर्ध्य का, तरंग दैर्ध्य को आप क्या कहते हो, लैम्डा, तो लैम्डा का एन गुना करना है। तो इसे करने के लिए आपको बोर मॉडल का सहारा लेना पड़ेगा, बोर मॉडल का, बोर मॉडल के अनुसार यदि बोर का परमाणु मॉडल आप देखोगे तो उसमें हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग। बोर के अनुसार या बोर मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो हमने पढ़ा था उसका फार्मूला पढ़ा था, एक क्या पढ़ा था बेटे, फार्मूला फार्मूला पढ़ा था MVR इज इक्वल टू NH/2π, MVR इज इक्वल टू NH/2π। अब आप एक काम करो, आप इस MV को तो ले जाओ यहां इस जगह और 2π को ले आओ यहाँ, क्योंकि 2πr जब यहाँ बन जाएगा तो 2πr का मतलब ही तो क्या होता है, परिधि होता है ना, 2πr का मतलब क्या होता है, परिधि। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, इसलिए क्या करा हमने, 2π को तो यहाँ लिया है हम, ये हुआ 2πr इज इक्वल टू, वहां हमारे पास बचा NH/, अब हमारे पास MV चला गया नीचे, यहाँ MV हम यहाँ लेंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, कोमा लगा देता हूं यहाँ, आप तो अगली लाइन में लिखते रहना नीचे नीचे नीचे, पर मुझे इधर इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि मैं सोचता हूं कि बोर्ड में कम जगह में ज्यादा काम आपको करा सकूं। देखो आपको एक बात का पता है कि लैम्डा का फार्मूला एक मैंने आपको बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv होता है, ये फार्मूला बताया था ना, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। तो आप इस H/mv को देखो जरा ध्यान से, ये H/mv, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, लैम्डा, इसलिए हम लिख सकते हैं, कोमा लगा दिया मैंने यहाँ, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा, H/mv की जगह क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, और ये ही हमें सिद्ध करना था, ये ही सिद्ध करना था। देखो क्या सिद्ध करना था,
जो परिधि है 2 पाई आर, वो तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक है। आप यहां लिख सकते हो जहां एन बराबर क्या हो सकता है, 1 2 3, ये वैल्यू हो सकती है एन की, 1 2 3 4, यानी इसका पूर्ण गुणक ही होगा किसका, तरंग दैर्ध्य का। 2 पाई आर का मतलब परिधि तो होता है, लैम्डा का मतलब तरंग दैर्ध्य ही तो होता है। इन्होंने कहा था कि डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का पूर्ण गुणक होती है, क्या होती है, कक्षा, ये कक्षा की परिधि, कक्षा की परिधि यानी 2 पाई आर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32, और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखो जरा क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, 33वां क्वेश्चन। एच ई पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के, एच ई पॉजिटिव स्पेक्ट्रम के एन बराबर 4 से एन बराबर 2 बामर संक्रमण से, एन बराबर 4 से एन बराबर 2, ये तो बामर संक्रमण ही होता है, बामर श्रेणी का संक्रमण है। बामर संक्रमण से, बामर संक्रमण से फिर क्या कहा है, प्राप्त तरंग दैर्ध्य के बराबर वाला, प्राप्त तरंग दैर्ध्य के बराबर वाला, प्राप्त तरंग दैर्ध्य के बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, बराबर वाला संक्रमण हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या होगा। थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन, देखो यहां से समझेंगे हम, ये लिखा है हमने उत्तर, देखो हीलियम पॉजिटिव, हीलियम के पास भी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन ही है, क्योंकि हीलियम पे नॉर्मली होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है। एच ई पॉजिटिव स्पेक्ट्रम में हमने एच ई पॉजिटिव में क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को चौथे स्तर से दूसरे स्तर पर लेकर आए हैं, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, उत्सर्जित हुई होगी, और जो ऊर्जा निकली होगी उसका तरंग दैर्ध्य है हाइड्रोजन के केस में किस तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा। हाइड्रोजन में तरंग दैर्ध्य उतना ही होना चाहिए जितना इस केस में हीलियम पॉजिटिव में, इलेक्ट्रॉन जब चौथे स्तर से दूसरे स्तर में आता है तो जितना ऊर्जा निकलता है उसका जो तरंग दैर्ध्य है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के लिए कौन से संक्रमण के बराबर होगा। जब हाइड्रोजन परमाणु में, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का मतलब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन को कौन से स्तर से कौन से स्तर में जाना चाहिए, ये सवाल है कि यदि एच ई पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन चौथे से दूसरे स्तर में जाता है तो हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को कौन से स्तर से कौन से स्तर में जाना चाहिए, जबकि एक शर्त है कि एच ई पॉजिटिव से निकलने वाला जो विकिरण है उसका तरंग दैर्ध्य हाइड्रोजन से निकलने वाले विकिरण के तरंग दैर्ध्य के बराबर है। यदि दोनों का तरंग दैर्ध्य बराबर है तो तरंग संख्या भी तो बराबर होगी, ये बात तो पक्की है, तरंग संख्या भी बराबर होगी। तो यदि मैं आपको यूं कह दूं कि यहां तो हम लिखते हैं एच ई पॉजिटिव के लिए, यहां तो हम लिखते हैं एच ई पॉजिटिव के लिए, और यहां लिखते हैं हम हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए दोनों परमाणु को चलो एक साथ लेकर चलते हैं। आपको पता है कि यदि हमें दोनों के संक्रमण में, इसमें संक्रमण कैसा हुआ है, चौथी से दूसरी कक्षक में या चौथे स्तर से दूसरे स्तर में, और इसमें संक्रमण कौन सा होगा हमें बताना है, हमें केवल ये पता है कि दोनों का तरंग दैर्ध्य बराबर होना चाहिए। देखो प्राप्त तरंग दैर्ध्य के बराबर वाला संक्रमण, यदि तरंग दैर्ध्य बराबर है तो तरंग संख्या भी दोनों में बराबर होगी, और तरंग संख्या कैसे निकलती है, तरंग संख्या निकलती है आर जेड स्क्वायर इंटू 1/(n1)² - 1/(n2)² ऐसे तो निकल जाएगी हीलियम की, एच ई पॉजिटिव की, और ऐसे ही निकलेगी हाइड्रोजन की। यहां बराबर का निशान लगा देता हूं क्योंकि तरंग
संख्या दोनों के लिए बराबर होगी। इसकी तरंग संख्या और इसकी तरंग संख्या दोनों का मान एक जैसा होगा, क्योंकि तरंग दैर्ध्य बराबर है, तरंग दैर्ध्य बराबर है तो तरंग संख्या भी बराबर होगी। यहां भी हम लिख देंगे आर जेड स्क्वायर 1/n1² -1/n2² अब थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। यहां हमने लिया है हीलियम, यहां लिया है हाइड्रोजन। जब आप वैल्यू पुट करोगे ये हो जाएगा आर, आर को तो काट ही दो, आर तो कांस्टेंट है, दोनों तरफ से कट जाएगा, आर को हम लिखते ही नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, यहां जेड की जगह क्या लिखूं, परमाणु क्रमांक कितना होता है हीलियम का, दो होता है, तो यहां तो हो जाएगा 2² 1/n1। देखो चौथी से दूसरे ऊर्जा स्तर में गया है, तो यहां मैं n1 की जगह 2 लिखूंगा, -1/n2 की जगह लिखूंगा 4। हीलियम का तो हमें पता है कि फोर्थ से सेकंड में गया है, इज इक्वल टू जेड जेड। हाइड्रोजन के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, 1/n1² -1/n2² ठीक है बेटे। तो ये हो जाएगा 4, ये तो हो गया 4। अब आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, -1/4 = 16 इज इक्वल टू इस एक स्क्वायर, 1² को तो 1 लिखो या फिर लिखो ही ना, यहां बचेगा 1/n1² -1/n2². अब देखो 4, इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 16, 4 चौक 16 और 4 एकम 4, 16 एकम 16, 1 एकम 1, ये हुआ 1/n1² -1/n2², ये हो गया हमारे पास 4 चौक 16 कर दिया, 4 में से 1 गया 3, 3/4 इज इक्वल टू 1/n1² -1/n2². इसे जरा ध्यान से देख लो, या तो आप इसे हल कर सकते हो, या तो आप इसे हल कर सकते हो और हल करके n1 और n2 का मान निकाल सकते हो। तो यदि आप n1 और n2 का मान निकाल लोगे तो n1 का मान तो आएगा 1, n2 का आएगा 2। समीकरण को हल करने पर यदि आप इसे हल हल करोगे ना, n बराबर तो आएगा 1, n1, और n2 बराबर आएगा 2। देखो यदि आपने यहाँ 1 लिख दिया तो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, यहाँ 2 लिख दिया तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, तो यहाँ 1 है यहाँ 4 है, तो 4 -1/4 आएगा ना, जब आप 1 और 4 का एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, और यहाँ 4 और यहाँ 1, 4 में से 1 गया 3, तो इसका मतलब जब आप इसे हल करोगे तो n1 और n2 के मान क्या आ जाएंगे, 1 और 2। इसका मतलब ये है कि जब हीलियम में HE पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन चौथे स्तर से दूसरे स्तर में आता है ना, तो निकलने वाली तरंग दैर्ध्य हाइड्रोजन के द्वारा उत्सर्जित उस विकिरण की तरंग दैर्ध्य के बराबर होगी। जब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन n1 बराबर n = 1 से n = 2 में आएगा, तो यदि HE पॉजिटिव में n = 4 से n = 2 में जाता है तो उसी तरंग दैर्ध्य वाला विकिरण यदि आपको चाहिए तो हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन को जाना चाहिए n = 2 से n = 1 में, ठीक है, 2 से 1 में आएगा जब भी तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, ठीक है बेटे। तो यहां आप लिख सकते हो, अतः HE पॉजिटिव के लिए, HE पॉजिटिव के लिए n = 4 से n = 2 संक्रमण में उत्सर्जित उत्सर्जित होने वाले विकिरण का उत्सर्जित होने वाले विकिरण का तरंग दैर्ध्य जो होगा, विकिरण का तरंग दैर्ध्य हाइड्रोजन के लिए, n = 2 से n = 1 संक्रमण में उत्सर्जित
संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य के बराबर होगा। मतलब इन्होंने पूछा था कि यदि तरंग दैर्ध्य बराबर है और हीलियम में हमारा n बराबर 4 से n बराबर 2 में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, n बराबर 4 से n बराबर 2 में, तो हाइड्रोजन में यदि वही तरंग दैर्ध्य आपको चाहिए तो इलेक्ट्रॉन को कहाँ से कहाँ जाना चाहिए। तो हमने बताया n बराबर 2 से n बराबर 1 में जाना चाहिए, n बराबर 2 से n बराबर 1 में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन को। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, अब देखते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 34। 34 में कहा है एच ई पॉजिटिव इज इक्वल टू एच ई डबल पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, यानी एच ई पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। इन्होंने कहा है कि हीलियम के धन आयन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा हमें चाहिए, जिसे आप कहते हो आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी, उसके लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है, मतलब इसकी आयनन एंथैल्पी कितनी होगी एच ई पॉजिटिव की। और इन्होंने साथ में एक हिंट दिया है हमें, हिंट ये दिया है कि हाइड्रोजन परमाणु की तटस्थ अवस्था में आयनन ऊर्जा दे रखी है इन्होंने। हाइड्रोजन परमाणु की दे रखी है 2.18 × 10^-18 जूल प्रति एटम, जूल प्रति परमाणु। हाइड्रोजन की तटस्थ अवस्था में आयनन ऊर्जा दे रखी है और एच ई पॉजिटिव की आयनन ऊर्जा हमारे से पूछी गई है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। देखो यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं ना, तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा निकालने का तरीका क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा यदि आपको निकालनी है तो आपको एक फार्मूला मैंने बताया था कि आपको क्या करना होता है, ई अनंत माइनस ई वन करना होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की पहली कक्षा एक ही कक्षा है, एक कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। तो बाहर जब जाता है इलेक्ट्रॉन तो एनर्जी को हम लिखते हैं ई इनफाइनाइट। तो ई इनफाइनाइट का मान हम मानते हैं 0 माइनस ई वन। ई वन, ई वन का मतलब पहली कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होगी, उसके लिए फार्मूला है 2π² इस फार्मूले को आपको याद रखना है, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4/, ध्यान से देख लो इस फार्मूले को, एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए। अब यदि हम बात करें, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो जाएगा प्लस। तो मैं यहां लिखूंगा 2π² तो जूंगा तो लिखूंगा 2π², एम जो का त्यों लिख दिया, जेड हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर, ई की पावर 4/ एन, हाइड्रोजन परमाणु की कौन सी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में है, तो यहां भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितना आया होगा, ये 1 स्क्वायर, ये 1 स्क्वायर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, 2π² एम ई की पावर 4/ एच स्क्वायर, ये वैल्यू आया है। यानी हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा का मान ये है, ठीक है, ये फार्मूला है। पर इन्होंने हाइड्रोजन परमाणु की तटस्थ अवस्था में आयनन ऊर्जा का वैल्यू भी दे रखा है, ये दे रखा है वैल्यू, तो इसे मैं बराबर मान सकता हूं 2.18 × 10^-18 जूल प्रति परमाणु के बराबर मान सकता हूं। इस चीज को आप संभाल के रख लो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हमने लिख लिया नंबर एक। हमारे पास ये जो फार्मूला है ये क्या है, ये हाइड्रोजन परमाणु का आयनन ऊर्जा है या आयनन एंथैल्पी है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, इसलिए मैंने इसके बराबर में इसे लिख लिया। हाइड्रोजन परमाणु के आयनन एंथैल्पी की हमें जरूरत पड़ने वाली है, इसकी भी और इसकी भी, जो दोनों एक दूसरे के बराबर है।
हमारे से पूछा गया है हीलियम के लिए, तो यहां मैं लिखता हूं एच ई पॉजिटिव के लिए इन्होंने पूछा है। तो यदि एच ई पॉजिटिव के लिए आप आयनन ऊर्जा निकाल लोगे, के लिए आयनन ऊर्जा, यदि आप एच ई पॉजिटिव के लिए आयनन ऊर्जा निकालना चाहते हो, तो वहां भी तो यही फार्मूला लगाओगे आप, क्या लिखोगे? ई इनफाइनाइट माइनस ई वन ही लिखोगे आप, क्योंकि हीलियम के पास भी एक ही तो कक्षा होती है, तो ई इनफाइनाइट तो हमेशा जीरो मानते हैं माइनस। यहां भी फार्मूला वही लगेगा, 2π² एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2π² एम जेड, बताओ हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 2, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ई की पावर 4 अपॉन, कक्षा तो एक ही होती है, ये 1 का स्क्वायर रहेगा, इसे तो लिखने की बाद में जरूरत ही नहीं है, कितना हो जाएगा ये देखो जरा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 मैंने पहले ही लिख दिया। अब हमारे पास बचा है 2π² एम ई की पावर 4 अपॉन 1 का स्क्वायर 1 है, इसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एच स्क्वायर हमने लिख दिया, तो हमारा उत्तर ऐसा होना चाहिए। पर आप इस चीज को ध्यान से देख तो लो जरा, क्या है 2π² एम ई की पावर 4 एच स्क्वायर, 2π² एम ई की पावर 4 एच स्क्वायर, ये तो हाइड्रोजन परमाणु की आयनन ऊर्जा है, हाइड्रोजन परमाणु की क्या है? आयनन ऊर्जा। यानी हाइड्रोजन की एक कक्षा में से, पहली कक्षा में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ती है, उस ऊर्जा के 4 गुने ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी यदि आप एच ई पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी ऊर्जा लगती है ना, एच ई पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उस ऊर्जा की 4 गुना ऊर्जा लगती है, तो ये तो वैल्यू इन्होंने दे रखा है, देखो 4 गुना इसका मान दे रखा है ना, ये दे रखा है इसका मान, ये हो जाएगा 2.18 × 10^-18 जूल प्रति परमाणु। अब बताओ इसकी मल्टीप्लाई तो कर दोगे आप, जब 4 की गुणा करोगे 2.18 में, तो ये आ जाएगा 8.72, 8.72 × 10^-18 जूल प्रति परमाणु, ये उत्तर हमारा है। इस तरह के क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। आपको जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, फिर करेंगे हम बात। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, आप ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, और आपको कुछ बातें ध्यान रखनी हैं। सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है कि प्लेलिस्ट के अनुसार ही पढ़ना है। दूसरी बात, आप स्क्रीनशॉट लो या फिर वीडियो को पॉज करके लिखो, आपके हैंड रिटन नोट्स बेस्ट होते हैं, हैंड रिटन नोट्स सबसे बेस्ट। तीसरी बात, यदि आप पीडीएफ नोट्स चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से भी उठा सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम से उठाओ। ध्यान रखना है गूगल ड्राइव में आपको नोट्स मिलेंगे, आप जब डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करोगे पीडीएफ नोट्स वाले लिंक पर, तो वहां आपको दूसरा जो क्लिक करना है वो गूगल ड्राइव पर करना है, आपकी गूगल ड्राइव एक्टिवेट होनी चाहिए। एक बात का और आपको ध्यान रखना है कि आप टेलीग्राम पर तो देख ही सकते हो, सारे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे बड़ी आसानी से, सब कुछ मिल जाएगा उनके, आप चाहे तो लिख लो उन्हें देखकर, या फिर उनके प्रिंट आउट निकलवा लो यदि आपके पास टाइम की शॉर्टेज है। पर एक चीज का ध्यान ये रखना है कि आपको यदि वीडियो का स्पीड स्लो लगता है, तो आप वीडियो के स्पीड को फास्ट कर लिया करो, प्लेबैक स्पीड को फास्ट करके फिर देखा करो, उससे शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है बेटे, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।